आज का हेल्दी और बिना तेल के नाश्ता चलिए बनाते हैं। और कैसे हैं? चलिए आज बहुत ही सुपर टेस्टी एकदम से नाश्ता बनाते हैं और बिना तेल मसाले के। और फायदे इतने हैं कि पूछिए मत, बहुत सारे फायदे हैं जिसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर और सारी चीज़ें मिलेंगी, तो बहुत ही फायदेमंद है और सुपाच्य है, पाचन में भी बढ़िया है पेट के लिए, क्योंकि पेट से ही हम थोड़ा गड़बड़ रहते हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं। और ये शुगर वालों के लिए तो अमृत है, ये बहुत ही स्पेशल नाश्ता है। तो क्या क्या डाल के हमने बनाया है तो उसको देखिए। चलिए तो राम राम प्रणाम, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग में। सुपर टेस्टी वाला एकदम से नाश्ता है, कलर भी देखिए रंग बिरंगा। बहुत ही परफेक्ट टेस्ट है। तो चलिए फिर फटाफट बनाते हैं, क्या क्या डाल के बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, चलिए फिर। दोस्तों एक कटोरी भीगा हुआ मूंग है, तो आज चलिए आप लोगों को बिल्कुल स्पेशल बिना तेल के, बिना किसी फालतू चीज़ों के हम नाश्ता कराते हैं। और इतना फायदेमंद ये नाश्ता होता है, आपका वजन कम करता है और भूख बढ़ाता है, पेट साफ रखता है और हर किसी को खाना चाहिए। तो बहुत फायदेमंद मूंग होता है, जल्दी मिलता कहाँ है, हमें तो मिल जाता है क्योंकि हम देहात में जाते हैं तो फ्री में नहीं मिलता, हम खरीद के लाते हैं, हम इकट्ठा 10-10 किलो तक खरीद लाते हैं। तो एक कटोरी मूंग लिए हैं, दो लोगों के लिए है, थोड़ा खाना हो तो 3-4 लोगों के लिए कर दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। मैंने बना लिया है, एक कटोरिया लिया है, बहुत बड़ी कटोरिया नहीं है। एक कटोरिया हमने मूंग ले लिया है और इसमें हम क्या काम करेंगे, थोड़ा नमक डाल देंगे और इसके बाद में 1 कप पानी डाल के 1 सीटी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1 सीटी पर्याप्त रहेगा, ज़्यादा लगा देंगे तो गल जाएगी, वो भी तेज आँच पे लगाना है क्योंकि मूंग बहुत नरम होती है। इसकी दाल भी बनाएंगे आप तो 2 सीटी में बन जाती है, अरहर की दाल 3-4 सीटी लगती है, चने की दाल 7-8 सीटी लग जाती है, सबकी अलग अलग है। मूंग बहुत नरम होती है तो जब ये इतनी मुलायम होती है तो समझ लीजिए कितना फ़ायदा करती है, पीलिया वगैरह में तो बहुत फ़ायदेमंद है ये मूंग। तो इसको हम लगाएंगे, 1 सीटी लगने के बाद फिर आगे चलिए, आगे के प्रोसेस और भी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। अब हम ले लेंगे 1 मिर्चा, 1 चुकंदर, 1 छोटा गाजर और 1 छोटा खीरा। अब इन सबको हमें छीलना है, छील करके कद्दूकस करना है सभी को। वैसे खीरा छीलना नहीं चाहिए क्योंकि सारे न्यूट्रिशंस उसके निकल जाते हैं, और लेकिन मैंने छील दिया डर के मारे कि कहीं कड़वा ना हो। चुकंदर छिल गया, गाजर छिल गया, अब घस लेते हैं। अब घिसा के रेडी हो गया है पूरी तरह से, इसको हम लगा देंगे अभी फ्रिज में। मूंग भी हो चुकी है, कुकर से हमने निकाल लिया भगोने में, फिर इसको धुल लिया, धुल के इसे भी फ्रिज में लगा देंगे, थोड़ा ठंडा अभी गर्म है। अब दोस्तों हमने फ्रिज से निकाल लिया है, काफ़ी ठंडा हो चुका है, फ्रिज से एकदम दही निकली हुई है ठंडी ठंडी, इसे भी फ्रिज में लगाया था, निकाल लिया, ये भी ठंडा हो गया है। तो अब हम चलते हैं, सभी को मिलाते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो मूंग डाल लेंगे इसमें, थोड़ा मूंग रख लेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो कौन खाएगा, मैंने बताया ना थोड़ा ज़्यादा है, दो लोगों के लिए मुझे बनाना है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई। अब इसमें हम 2 प्रकार का नमक डालेंगे, काला नमक और सफ़ेद नमक, क्योंकि उबालते वक्त कम डाले थे और धुल भी दिए थे। और इसके बाद इसमें हम डाल लेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से दही, बहुत टेस्टी है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, ज़रूर बनाएं, खाएं, घर परिवार में सभी को खिलाएं। और फ़ायदे तो इसके इतने हैं कि कुछ पूछो, बस खाइए, खुद ही समझ में आएगा कितने फ़ायदे हैं। खास करके जिम करने वालों के लिए, जिसे भी डाइटिंग करनी है उसके लिए, देखिए कहीं ना तो तेल पड़ा है ना कोई मसाला पड़ा है। दही पेट साफ रखता है, दही वैसे भी कैल्शियम से भरपूर होता है। खीरा का भी वही हाल है, गाजर से आँखों के लिए रोशनी मिलती है, चुकंदर से शरीर में खून मिलता है, खीरा भी बढ़िया पानी का स्रोत है आपके शरीर में। मिर्चा टेस्ट के लिए डाल दिया, काली मिर्च एंटीबायोटिक होता है, नमक स्वाद देता है। दही कम लग रही है, दही हम पूरा डाल दिए, अब सही होगा। तो आज सुबह का नाश्ता कैसा लगा हमारा? बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही ताकतवर है, तो आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं। चलिए फिर मेरे वीडियो में यूं ही बने रहें। धन्यवाद, प्रणाम।